सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, यहाँ पर मेरे पास जो डिवाइस है वो है रियलमी 12 Pro 5G। तो इसका आज हम यहाँ पर चार्जिंग टेस्ट कर देखने वाले हैं कि कितनी देर में ये 0 से लेके 100% तक चार्ज हो जाता है। ये चार्जिंग टेस्ट हम करेंगे इसके ऑफिशियल 67 वॉट के चार्जर के साथ। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, अभी जो फ़ोन है उसमें जो बैटरी है वो लगभग 1% है और फ़ोन जो है यहाँ पर कभी भी डिस्चार्ज हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको चार्ज करके, और साथ ही यहाँ पर जो इसका ऑफिशियल चार्जर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो 67 वॉट का यहाँ पर इसका चार्जर है, रियलमी का सुपर वूक चार्जर है, उसी से हम यहाँ पर इसको चार्ज करके देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, मैंने यहाँ पर जो स्टॉप वॉच है वो भी यहाँ पर साथ में लगा ली है। इसका जो ऑफिशियल चार्जर है इसको हम यहाँ पर केबल इसकी लगा देते हैं और इसको यहाँ पर चार्ज को प्लग इन कर देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर अपना जो फ़ोन है रियलमी का 12 Pro उसमें जो है यहाँ पर इसको लगा देते हैं। तो चार्जिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, अब देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर जो वॉच है वो भी स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चार्जिंग है वो चालू हो चुकी है। चलिए, यहाँ पर 5 मिनट का समय जो है वो हो गया है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर 5 मिनट में यहाँ पर 18% जो है इसकी बैटरी चार्ज हो गई है। आपको भी मैं स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर 19 मिनट जो है इसकी 19% जो है बैटरी चार्ज हो चुकी है 5 मिनट में। तो 10 मिनट का समय हो चुका है यहाँ पर चार्ज करते करते, और हम यहाँ पर देखेंगे कि अभी कितना परसेंट जो है ये चार्ज हो चुका है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 29% जो है ये चार्ज हो गया है 10 मिनट में। तो अब आगे भी हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं इसको, चेक करते हैं चार्जिंग स्पीड को। तो 15 मिनट्स हो चुके हैं यहाँ पर चार्ज करते करते, और 15 मिनट्स में अगर आप देखेंगे फ़ोन को तो यहाँ पर 41% जो है ये फ़ोन चार्ज हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो, 41% यहाँ पर चार्ज हो गया है 15 मिनट में। तो आगे अब हम देखते हैं कि कितना टाइम लगता है इसको फुल चार्ज होने में। 30 मिनट्स यहाँ पर हो चुके हैं इसको चार्ज करते करते, और 30 मिनट्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 70% जो है ये चार्ज हो चुका है फ़ोन। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं 70% 30 मिनट में चार्ज हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि फुल चार्ज होने में और अभी ये कितना टाइम लेता है। तो यहाँ पर 40 जो मिनट हैं वो हो चुके हैं चार्ज करते करते, लगभग 41 मिनट हो गए, और यहाँ पर फ़ोन आप देख सकते हैं 90% चार्ज हो गया है। तो 40 मिनट में यहाँ पर 90% ये चार्ज हुआ है। अब हमें देखना है कि बाकी का जो बचा हुआ 10% है वो यहाँ पर कितनी देर में कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम वेट करते हैं यहाँ पर इसके पूरा 100% चार्ज होने का। तो फ़ोन जो है हमारे यहाँ पर 100% चार्ज हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके जो बैटरी है वो भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100% जो है फ़ोन चार्ज हो चुका है। टाइम की अगर बात करें तो 46 मिनट में जो है ये यहाँ पर 100% चार्ज हुआ है। तो चार्जिंग यहाँ पर आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाती है। अगर आपके पास भी ये फ़ोन है तो आप भी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपके फ़ोन में जो चार्जिंग में है कितना टाइम ले रहा है। तो इसलिए दोस्तों बस इतना ही था, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।